अब अगली खबर यूपी से ही। पश्चिमी यूपी में दलित से मारपीट का मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर के एक दलित परिवार का आरोप है कि महज नल पर पानी भरने से की वजह से दबंगों ने सरेआम एक बुजुर्ग महिला को पीटा और जब बीच बचाव के लिए महिला की बेटी गई तो दबंगों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। जी हाँ, तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में दिख रही ये महिला वो बुजुर्ग महिला है जिन्हें दबंगों ने सरेआम पीटा और इनकी गलती बस ये थी कि वो एक सरकारी हैंडपंप से पानी भरने गई थी। भोकारेहड़ी गांव की रहने वाली इस महिला का आरोप है कि जब वो पानी भर रही थी उसी वक्त गांव के ही दबंग राजा गोयल के परिवार के कुछ लोगों ने दलित होने की बात कहकर उन्हें पीटने लगे। तो पश्चिमी यूपी की यह घटना है। बुजुर्ग महिला की बेटी का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो किया लेकिन अगले ही दिन आरोपी छूट गया। पुलिस कार्रवाई करने में आनाकानी कर रही है। जी परसों हम नलके पर पानी भरने जा रहे थे, ये कहने लगी तुम तो दलित परिवार से हो जी, इन्होंने हमने ने बहुत वो समझाया, इन्होंने बिल्कुल ना सुनी, हमारे बहुत बजाया, इन्होंने हमारे कपड़े तक भी पाड़ दिए, इन्होंने सारदार सारदार के लड़के अनुज ने, हमने क्या है ना भोपे थाने में जाकर रिपोर्ट करवाई, इनके खिलाफ वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर हम मतलब हमें सांझ होगी इस तरह करतो करतो मगर पुलिस आवेगी कुछ करेगी कुछ नहीं करा। फिर हमें अचानक से 16 नंबर की पुलिस बुलानी पड़ी, 16 नंबर की पुलिस पकड़ कर तो लेगी ना, अगले दिन ही ना छोड़ देती है, कल कोई इन्हें मतलब परेशान ना करे, हमारे साथ में इंसाफ हुए, हमें और कुछ नहीं चाहिए जी किसी से। वाकई शर्मनाक घटना है ये। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये भोकरेड़ी के थाना भोपा में एक सूचना मिली थी जिसमें पानी को लेकर के और कपड़े धोते हैं और उस तरह से कुछ विवाद है जिसमें माँ और उसकी बेटी को मारपिटाई की गई है। इसमें मुकदमा कायम किया जा रहा है और जो लड़का है जिसने मारा पीटा है उसको भी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, ये छेड़खानी वाली बात नहीं है, ये पानी का विवाद है और इसको जानकारी भी प्राप्त की गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई भी हो रही है, बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।